हेलो फ्रेंड्स, आज बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर बोर्ड ने एक विज्ञप्ति नई विज्ञप्ति जारी की है आज 27 जनवरी को, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने दिया बोर्ड फार्म में त्रुटि सुधार का निशुल्क मौका। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड फार्मों में जो भी त्रुटि हमसे रही है फार्म अप्लाई करते समय, उसका एक निशुल्क चांस हमारे को दिया है कि उसमें त्रुटि में हम सुधार कर सकते हैं। जानिए क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या संशोधन बोर्ड फार्म में किए जा सकते हैं और कौन कौन से संशोधन निशुल्क किए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही कोई विभागीय अपडेट या बोर्ड द्वारा कोई अपडेट होगा तो वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होने वाला है। तो हम मूव करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2021 के ऑनलाइन पत्रों में संशोधन बाबत। तो आज 27 जनवरी 2021 को जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में त्रुटियां रही थी, उसका निशुल्क अवसर बोर्ड ने दिया है, जो कि 1 फरवरी से 13 फरवरी तक किया जाना है। ऑनलाइन संशोधन हेतु शाला प्रधान पूर्व प्रदत्त आईडी, जो भी बोर्ड की आईडी है, और पासवर्ड टाइप करके वेबसाइट खोलें और आवेदन पत्र के बाएं कोने पर स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाइप करें। और उसमें सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है अपने जो हमारे को आईडी और पासवर्ड दिया गया है, तो स्कूल की जो हमारी आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में हम सुधार करना चाहते हैं उसका आवेदन क्रमांक जो है वो टाइप करना है। उसके बाद सावधानी पूर्वक संशोधन करना है, क्योंकि लॉक करने के बाद वापस चांस नहीं मिलेगा। फिर उस फॉर्म को प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद उसकी एक प्रति अपने पास रख के दूसरी प्रति बोर्ड को स्पीड पोस्ट से पहुंचानी है। तो सबसे पहले तो देख ले आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा। ये रेड बॉक्स के अंदर जो आपको एप्लीकेशन नंबर, ये आवेदन पत्र क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर रेड गोले के अंदर मैंने वो दिखाया हुआ है एप्लीकेशन नंबर। तो मैंने यहाँ 4 डिजिट दिखाई है, लेकिन ये डिजिट ज़्यादा होती हैं। तो बिल्कुल सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर ही मिलने वाला है। बोर्ड का फॉर्म जो भी आपने पहले भरा था, लॉक किया था, उसमें एप्लीकेशन नंबर आपके पास ऊपर आ गया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर भरते ही आपके पास स्टूडेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी संशोधन आप करना चाहते हैं, निःशुल्क कौन कौन से किए जा सकते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो निम्नांकित संशोधन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पिता व माता के नाम केवल स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, लिंग, माध्यम, बीपीएल, जाति श्रेणी, कास्ट कैटेगरी, पता व फोन नंबर, अन्य स्पेशल स्पेशल कोड, टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थी को छोड़कर, श्रेणी, पूर्व शैक्षणिक योग्यता, फोटो तथा हस्ताक्षर जो हमने स्कैन किए हैं वो, पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक, इनमें चेंज किया जा सकता है। फिर देख ले जो श्रेणी हम लोग भर रहे हैं, जिसमें नोट लगाया है परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग में अथवा जाति की एक से अधिक श्रेणी में से, परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी का चयन करेगा जिसका लाभ वो लेना चाहता है। तो एक ही श्रेणी का उसने चयन करना है जिसका लाभ वो लेना चाहता है। बोर्ड द्वारा यदि कोई छात्रवृत्ति दी जाती है, कोई लाभ दिया जाता है, तो वो उसी श्रेणी से उसको दिया जाएगा। परीक्षार्थी को आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी का ही लाभ दिया जाएगा, अन्य में नहीं। तो अगर उसके बाद अगर हमारे पास कोई जाति प्रमाण पत्र है तो वो दिखाकर बोर्ड लाभ नहीं देगा उसका, जो आपने फॉर्म में भरा है उसी आधार पर ही उसका लाभ दिया जाएगा। तो ये संशोधन जो है बिल्कुल निःशुल्क किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से संशोधन ऑनलाइन नहीं किए जा सकते, ये ऑनलाइन संशोधन जो पहले बताए गए आपको वो बिल्कुल निःशुल्क हो गए। अब जो हम नहीं कर सकते संशोधन वो देख लें। परीक्षार्थी के नाम व जन्म तिथि में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
ना तो उसका नाम चेंज होगा, ना ही उसकी जन्म तिथि चेंज होगी। प्रायोगिक विषय जिनमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो प्रायोगिक विषय में प्रायोगिक फी लगती है, एक्स्ट्रा प्रायोगिक शुल्क लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा। वर्ग परिवर्तन प्रायोगिक विषय के कारण संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो जो वर्ग परिवर्तन हमने करना है, साइंस से आर्ट्स करना है उसको, तो वो भी क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाते हैं इसलिए वो वर्ग परिवर्तन भी नहीं हो सकेगा। ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित हो उनमें ऑनलाइन संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चालान कटवाने का मौका इस बार बोर्ड नहीं दे रहा है हमें। इसलिए जिनमें भी शुल्क लगने वाला मैटर है वो कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो ये जो 5 दिए गए हैं बिंदु आपको, इनमें किसी प्रकार का हम ऑनलाइन संशोधन नहीं कर पाएंगे, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। तो वो नीचे बोर्ड ने बताया है, उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड एवं आवश्यक शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित बोर्ड को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकेंगे। यानी जो भी उसकी निर्धारित फी है उसके बैंक ड्राफ्ट बनाना है और वो बोर्ड को भेजना है। और यदि कोई संशोधन हम करना चाहते हैं तो विद्यालय का रिकॉर्ड, जैसे परीक्षार्थी का नाम है, जन्म तिथि है, तो फिर वो विद्यालय का रिकॉर्ड साथ लगाकर भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। सभी शाला प्रधानों को ऑनलाइन संशोधन करना अनिवार्य है। संशोधन पश्चात जो भी ऑनलाइन मुद्रित संशोधन प्रपत्र होगा वो बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट से भेजा जाना है, जिसकी एक कॉपी आपने भी अपने विद्यालय में सुरक्षित रखनी है। तो साथियों, ये था बोर्ड द्वारा जो भी संशोधन किया जा सकता है, बोर्ड ने जो हमें मौका दिया है बोर्ड फार्मों में संशोधन करने का, उसका एक विज्ञप्ति जो है वो न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो उसके आधार पर हम बोर्ड फार्मों में संशोधन कर सकते हैं, और किन किन में ऑनलाइन संशोधन नहीं कर सकते वो ये 5 बिंदु आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, अपडेट आपके पास पहुंच रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।